हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आपका आंसर की का है। आपके जो पेपर हुए हैं, और आई थिंक्स पहले पेपर के बारे में जो बात कर लेते हैं, 505 का जो पेपर था, पेपर बहुत अच्छा आया है आपका। जो मेरे हाथ में पेपर है वो आपका बिहार का है और सेट बी है, ये भी क्लियर कर दूँ, ठीक है ना। और इसमें जो क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस के, जो MCQ है, वेरी इजी है, बहुत ही आसान है। और जो आपके और भी लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट वाले, वो भी इजी हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे पहला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो आंसर दिया है वन टिक के, बिल्कुल सही है, क्योंकि मानव निर्मित मत्स्य, मछली घर, उद्योग और अंतरिक्ष यान होते हैं। अंतरिक्ष यान का मतलब जिसमें लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वो यान, तो अंतरिक्ष यान यानी रॉकेट जो होता है वो भी मानव निर्मित होता है, वन जो होता है वो मानव निर्मित नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की एक विशेषता नहीं है। तो देखिए, पर्यावरण गतिशील भी होता है, समग्र भी होता है, व्यापक भी होता है, तो जो निष्क्रिय है वो इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी जो आंसर है बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा जो है वो क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप अधिगम के लिए, आकलन के लिए उपयुक्त है। तो इसमें जो फर्स्ट ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है, कक्षा में क्रियाकलाप करते समय विद्यार्थियों का अवलोकन करना, ये जो है अधिगम के लिए, आकलन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। फोर नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी मूल निर्धारण उपकरण की विशेषता नहीं है। मूल निर्धारण उपकरण की विशेषता नहीं है, तो बेहतर लचीलापन, विश्वसनीयता हर एक उपकरण की विशेषता होती है, कठिनाई का निम्न स्तर जो होता है वो इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा 5 के विद्यार्थी अपने शहर में कूड़े के निपटारों की समस्या पर छोटे समूहों में चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा में सभी प्रतिभागी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। अंत में वो समूह की रिपोर्ट बनाकर कक्षा के सामने प्रस्तुत करेंगे। शिक्षक उनका मार्गदर्शन बना हुआ है, शिक्षक द्वारा किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सामूहिक चर्चा पर चर्चा विधि है, पर मैं इसमें कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपके समूह का भी जिक्र है, समस्या समाधान का भी जिक्र है, लेकिन समूह की रिपोर्ट बनाकर कक्षा के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक एक्टिविटी हो रही है, क्रियाकलाप हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसका राइट आंसर होगा बी या सी में से एक हो सकता है। मैं यहाँ पे जो है बी को सेलेक्ट करूँगी कि क्रियाकलाप विद के अंतर्गत ये आएगा। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय एक बच्चे ने प्रश्न पूछा जिसका उत्तर शिक्षिका के पास नहीं था। शिक्षिका ने बच्चे को कहा कि उसके पास इस प्रकार का उत्तर नहीं है प्रश्न का, परंतु वह उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। दर्शाता है कि शिक्षिका किसकी भूमिका निभा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो ज्ञानदाता की भूमिका निभा रही है, मतलब उसे पता है कि अगर मैं जो भी आंसर बताऊंगी स्टूडेंट उसको सही मानेंगे, जब मुझे भी नहीं पता है तो मैं इसको घर से पहले सर्च करके लाऊं, तो राइट आंसर शायद यहाँ पे सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के द्वारा सीखना एक उदाहरण है। तो इसमें है कि एक तालाब के पास जाकर उसमें से पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का पर्यवेक्षण करना, तो आई थिंक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पर्यावरण से सीखना एक उदाहरण है। तो इसमें एक और ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि कक्षा में एक चार्ट को देखकर विविध पक्षियों की चोंच एवं पंजे के चित्र बनाना, तो आई थिंक इसका जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहयोगी अधिगम में नहीं होता है। तो सहयोगी अधिगम में बच्चे एक ही विषय के दायरे में रहते हैं, ये विकल्प नहीं होता है, तो ये भी इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, रट्टा लगाकर बच्चों को अवधारणाओं का अधिगम कराना, बिल्कुल राइट आंसर, ये सी जो है बिल्कुल सही है।
10 नंबर का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के द्वारा जोर नहीं दिया गया है? तो 2005 में जोर नहीं दिया गया है, तो कठोर अनुशासन अधिगम को अधिक प्रभावी बनाता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये गलत आंसर है, इस पे जोर नहीं दिया गया। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित करें, इस पे जोर दिया गया है। सभी बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, इस पे जोर दिया गया है। बच्चों की प्रक्रिया स्कूल के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर चलती, ये भी सही है। तो जो सी इसका है बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी तरह से हम देख लेते हैं आपके जो क्वेश्चन आए हैं पर्यावरण के लिए, जो सीखना सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन से है कि कक्षा 5 में जो आपका घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ है उनके बारे में है, 5 प्रकार की क्रियाकलाप की विशेषताओं की सूची बनाना है। और ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको मॉर्निंग में ही PDF डाला था और उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन देख लीजिए, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। पौधे और जानवर और परिवार एवं मित्र प्रकरण के अंतर्गत क्यों रखा गया है? ये आपका जो मॉडल आंसर मैंने बताया था, पेपर बनाया था उसके अंतर्गत था। प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाना चाहिए, 5 कारण, ये भी आपके मॉडल पेपर में था। प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के सृजनात्मक अभिव्यक्तियों का, ये भी आपके मॉडल पेपर में ही था। सहयोगी अधिगम में एक दूसरे का सकारात्मक रूप से निर्भरता क्या अभिप्राय है? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मॉडल पेपर जो हमने बनाए थे, यदि आपने अच्छे से देखे होंगे उनमें से लिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो पेपर था वो एवरेज था, अच्छा था। यदि आपने अच्छी प्रिपरेशन की होगी तो आपसे जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा गया होगा। यदि आपने नहीं भी किया है तो पासिंग मार्क्स तो आप आराम से पास होने के लिए नंबर पा ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। और आप कह रहे हैं कि आपके जो आगे के सब्जेक्ट उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए, तो बिल्कुल हम चाह रहे हैं कुछ दिन आप रेस्ट कर लें और इसके बाद फिर हम आपकी जो है कुछ 2 या 3 डेज बाद आपकी जो 4 थ्योरी है उनकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर देंगे। और आप कमेंट्स करके भी हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।